हेलो दोस्तों, मैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली और भी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों आज एक बॉन्ड कंपनी का होम थिएटर आया हुआ है, जिसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा। दोस्तों चलिए इसे चला के चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसकी वायर लगा देते हैं और ये हमने ऑन कर दिया है। देखिए दोस्तों इसमें लाइट आ गई है। देखिए दोस्तों इसमें आवाज़ आ तो रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है। दोस्तों आवाज फुल कर दिए दोस्तों इसकी। देखिए दोस्तों आवाज, देखिए दोस्तों फुल करने पे भी साउंड नहीं आ रहा और बेस तो इसमें बज ही नहीं रहा दोस्तों, और स्पीकरों में भी आवाज खुल के नहीं आ रही है, हल्की हल्की आवाज आ रही है दोस्तों। देखिए चलिए एक बार इसका वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम भी इसका दोस्तों देखिए 50 है, फिर भी इसमें देखिए वॉल्यूम कम है, ये ज़्यादा हो रहा है, मगर बेस तो इसमें बज ही नहीं रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे खोल के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये बॉन्ड कंपनी का है, स्पीकर के वायर लगी हुई है हमारी, और मॉडल नंबर है इसका IT 1850। तो दोस्तों इसके अंदर साउंड आ तो रहा है, बहुत कम आ रहा है दोस्तों, और बेस नहीं बज रहा है बिल्कुल भी। सबसे पहले चलिए इसके आगे खोल के इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने खोल लिया है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसको चिमटी से दोस्तों शॉर्ट किया है, तो इसके अंदर साउंड भरपूर आ गया है। देखिए दोस्तों इसको हमने वॉल्यूम की पिनों को दोस्तों हमने शॉर्ट किया है ना आपस में, तो वॉल्यूम अपने आप भरपूर वॉल्यूम आ गया दोस्तों, और फुल वॉल्यूम आ रहा था बिल्कुल, बेस भी अच्छा बज रहा था और स्पीकर में भी आवाज़ अच्छी आ रही थी। देखिए ये पिन, ये पहले नंबर की पिन, और दोस्तों छठे या पाँचवें नंबर की पिन को आप शॉर्ट कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा दोस्तों वॉल्यूम ख़राब है या नहीं। चलिए दोस्तों इसका वॉल्यूम को चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया है दोस्तों, बेस का भी ख़राब था इसका, और मेन वॉल्यूम जो होता है ये बेस भी ख़राब था, और ये मेन वॉल्यूम जो होता है ना वो भी ख़राब था दोस्तों, इससे ना तो बेस आ रहा था और ना वॉल्यूम अच्छा आ रहा था। देखिए ये पुराने वाले निकाल के रख रखे हमने, देखिए ये तो हैं पुराने वाले दोस्तों, हमने ये निकाले हैं जो ख़राब हैं, और देखिए दोस्तों हमारे ये नए वाले हैं, अब इनको हम इसमें डालेंगे। एक बेस का है और एक वॉल्यूम का है दोस्तों, चलिए इन्हें डाल लेते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, इनको सोल्ड करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसके वॉल्यूम को लगा दिया है, नए वॉल्यूम लगा दिया हमने दोस्तों, और ऊपर से सोल्ड भी कर दिया है। ये देखिए ये देखिए
चलिए इसे चालू करके देख लेते हैं एक बार। लाइट आ गई है, पेन ड्राइव। वीडियो को पूरा देखा करें तभी दोस्तों कुछ समझ में आएगा कि आदमी क्या करता, क्या है बंदा, किस चीज़ फॉल्ट के लिए क्या चीज़ चेक कर रहा है आदमी। सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ना ज़रूरी है। तो वीडियो जब तक पूरी नहीं देखोगे जब तक कुछ समझ में भी नहीं आता दोस्तों। आधी वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं है आधी वीडियो देखने का। अगर आपको ज़रूरत है तो पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, कुछ सीखना है तो। और ये दोस्तों ये सीखने वाले मैकेनिकों के लिए है दोस्तों ये, और यह घर में भी कोई रह काम जिस किसी का होम थिएटर ख़राब हो जाता है ये उनके लिए भी दोस्तों वीडियो। चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते दोस्तों, इससे थोड़ा हमारा मनोबल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।